एक बार फिर नूरपुर की बेटी ने अपने गांव का नाम रोशन किया। एक और बेटी ने नूरपुर का नाम रोशन करते हुए एमफिल में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कॉमर्स से टॉप किया और उसे हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति एवं कल्याण परिषद ऊना से स्वर्ण पदक तथा सम्मान पत्र देकर नवाजा गया। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत जिकली खननिक की गुंजन बाला सुपुत्री स्वर्गीय रविंद्र कुमार ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से कॉमर्स में टॉप किया और परिवार और गांव का नाम रोशन किया। गुंजन के परिवार में दादा भगत राम 85 वर्षीय, दादी लीला देवी 73 वर्षीय, माता रंजना देवी 43 वर्षीय, दो जुड़वा भाई अक्षय कुमार और अमीश कुमार हैं। पिता रविंद्र कुमार की 2 साल पहले दर्दनाक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। गुंजन ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि उसने 10वीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बदोही, 12वीं बीटीसी गर्ल्स स्कूल नूरपुर, बीकॉम आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर और एमकॉम धर्मशाला से की है। एमकॉम अंतिम सेमेस्टर के दौरान गुंजन के पिता रविंद्र कुमार की दर्दनाक दुर्घटना के कारण मौत हो गई थी। परिवार में उस समय कोई भी कमाने वाला नहीं था। उस समय कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर कुलवंत सिंह पठानिया, प्रोफेसर मनोज शर्मा व प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र व चाचा रमन दीवान और बुआ संजीवना देवी ने उसे पूरा सहयोग दिया। इस दौरान 1 महीना लगभग यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाई, जबकि उस समय उसका प्रोजेक्ट चल रहा था। एमफिल मैंने फिनांस में की है, जिसमें अच्छे नंबर के कारण टॉप पर रही। ऊना में हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति एवं जन कल्याण परिषद ने स्वर्ण पदक तथा सम्मान पत्र देकर उसे नवाजा। गुंजन ने बताया कि आगे उनका सपना प्रोफेसर बनने का है। प्रोफेसर बनने के लिए नेट वो पास कर चुकी हैं, कॉलेज कैडर का पेपर निकलेगा उसकी तैयारी कर रही हैं, साथ में पीएचडी करना चाहती हैं। मेरा नाम गुंजन है, मैं जिकली खन्नी से बिलोंग करती हूँ। मैंने 10th यहाँ अपने गांव से ही की है। मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल बदोही। मैंने प्लस टू गवर्नमेंट बीटीसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नूरपुर से की है। प्लस टू मैंने कॉमर्स में की है और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन नूरपुर कॉलेज आर डिग्री से की है। प्लस वन प्लस टू में भी मैं कभी क्लास में फर्स्ट या सेकंड आती रहती थी, वैसे ही ग्रेजुएशन में चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने एमकॉम की धर्मशाला से, एचपीयू रीजनल सेंटर धर्मशाला से, वहाँ पे परसेंटेज होने की वजह से, अच्छी परसेंटेज होने की वजह से गवर्नमेंट सीट मिली थी। तो उस दौरान वहाँ पे मैंने एमकॉम कंप्लीट की अपनी। और उसके बाद एमकॉम के ड्यूरिंग मेरे पापा जी की डेथ हुई थी। फिर उसके बाद बहुत सारे रिलेटिव्स और मेरी टीचर, स्पेशली धर्मेंद्र सर, मनोज सर, इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था। मैं 1 महीना तक शायद नहीं गई थी यूनिवर्सिटी में अपने क्लास में, तो वहाँ पे मनोज सर और धर्मेंद्र सर, इन्होंने काफ़ी हेल्प की उस ड्यूरिंग मेरी, जबकि मेरा उस टाइम प्रोजेक्ट चला हुआ था। और उसके बाद मैंने एंट्रेंस दिया था एमफिल का, तो वो क्वालिफाई हुआ। फिर मैंने एमफिल की फाइनेंस में, जिसमें मार्क्स अच्छे आने से मैं टॉप पे रही, और मेरे साथ 2 लड़कियां और भी हैं। और वहाँ पे फिर ऊना में एक ऑर्गेनाइजेशन है हिमोत्कर्ष, उन्होंने हमें इनवाइट किया था और हमें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था वहाँ पे ऊना में हिमोत्कर्ष ऑर्गेनाइजेशन में। नूरपुर से भूषण शर्मा। Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.